कहा जाता है, और सफलता सिर्फ यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास आप सही तरीके से नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और जिसका सबसे ज्यादा आप इंतजार कर रहे थे, यूपी अर्बिनल, आखिरकार वैकेंसी आ गई और फॉर्म भरा जाने लगा। आप बिल्कुल परेशान भी हैं, टेंशन है कि ये जो वैकेंसी आई है इसके बाद आती है कि नहीं आती, इसकी कोई गारंटी नहीं। इस वजह से प्रेशर थोड़ा और बढ़ जाता है स्टूडेंट्स में। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन कॉल और बातों से मालूम चलता है कि स्टूडेंट्स काफ़ी प्रेशर में हैं, चूंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। यूपी आरबीएनएल बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आया है, या उसके बाद उसके सामने कोई अदर वैकेंसी गवर्नमेंट का नहीं है, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। और हम प्रयास करेंगे, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग इस वैकेंसी में कितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम हेल्प कर सके, ताकि वो मैक्सिमम मार्क्स पा सके और अपने जॉब के प्रति और ज़्यादा सिक्योर हो जाए। मीन्स इतना ज़्यादा हम लोग अपने से हेल्प किया जा सकता है कि स्टूडेंट्स इस वैकेंसी में क्वालिफाइड हो जाए। तो उसी के दृष्टि से हम एक कॉन्सेप्ट जनरेट किए हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइड होने वाला जो फार्मूला है, ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी उनको सफलता नहीं मिलता है, क्योंकि सीटें बहुत कम है। और आप एक ट्रिक के अनुसार यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएंगे तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जितना आप चाहते हैं करने के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यदि 200 का ओवरऑल आपका क्वेश्चन यूपी अर्बिनल में पूछा जाता है, जिसमें 150 क्वेश्चन टेक्निकल और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। 150 खुद एक टेक्निकल क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जिसका टेक्निकल पर काफ़ी कमांड है। तो बिल्कुल फिर भी आप उसके लिए ट्रिक जानेंगे, यदि वो ट्रिक आप जान लेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हम रिवाइज कर पाएंगे, ड्यूरेशन बिटवीन द फॉर्म जिस समय भरा जाएगा, जिस समय एग्जाम होगा, चूँकि जाहिर सी बात है उसके बीच में टाइम ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। हम ऐसे ट्रिक बताएंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आप स्क्रीन पर क्वेश्चन आते हैं आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से हम उस क्वेश्चन को हाईलाइट करेंगे, हम उस तीन चार क्वेश्चन ऐसे ही पर डे हम लोग हाईलाइट करेंगे जिस क्वेश्चन को आप सबसे ज़्यादा कठिन मानते हैं। मीन्स ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो कैटेगराइज है वो आपको तीन कैटेगरी में मिलेगा, एक तो एकदम लो लेवल का, एक मीडियम लेवल का, एक हाई लेवल का। तो लो मीडियम एक एवरेज स्टूडेंट सॉल्व कर लेता है, जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो सिंपल सा हाई लेवल वाले क्वेश्चन में होता है। तो हाई लेवल वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे 3-4 क्वेश्चन, और वो हम ऐसे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लाएंगे जो आपको कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यूपी आरबीएनएल में ही 2 क्वेश्चन पुट अप हुआ है, और दोनों क्वेश्चन ही 2016 में एक क्वेश्चन आया है और एक क्वेश्चन किसी अदर ईयर में। तो जाहिर सी बात है वो उसका नाम जो टॉपिक है वो प्रेशर है। तो जाहिर सी बात है हमने बताया कि क्वेश्चन की कैटेगरी 3 होता है, और तीनों में 0 लेवल यानी लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। तो हाई लेवल वाले में या तो कन्फ्यूजन होता है या बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, तो प्रयास ये रहेगा लेंदी और कन्फ्यूजन वाला, यानी जो क्वेश्चन लेंदी होगा और जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला होगा वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से आपका हेल्प करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग हेल्प किया जाएगा जिस क्वेश्चन या तो लेंदी होगा या तो आपको आपके लिए कन्फ्यूजन होगा, तो हम उसी क्वेश्चन को सिर्फ टच करेंगे। बाकी क्वेश्चन आप अपने किताब से, बुक से या अदर जो रिसोर्स आप यूज करते हैं वहां से आप पढ़ते रहिए। बाकी हम बीच बीच में ऐसे ट्रिक बताएंगे जो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा आसान बना देगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा और कैसे सॉल्व कर लेंगे। हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, और प्रेशर में ही हम लोग 2-4-5 मिनट इस पर हम लोग पूरी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को यदि सॉल्व कर लेंगे तो ओवरऑल जो ए ग्रेड के क्वेश्चन यूपी आरबीएनएल में आए हैं आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो पहला प्रेशर आप जो जानते हैं वही जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है। इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लंबवत बल कार्य करता है, जाहिर सी बात है वही प्रेशर। प्रेशर को समझने के लिए चाहे तो हम एक डिफिनेशन छोटा सा लिख देते हैं, और फिर उसके बाद प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट देते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट बेस पर आपका यूपी आरबीएनएल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो प्रेशर का हम लोग एक डिफिनेशन छोटा सा लिख देते हैं, जैसे देखिए हम लोग डिफिनेशन जो लिखे हैं, किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के एकांक काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक के स्तंभ के भार के बराबर होता है। जाहिर सी बात है वायुमंडल के शीर्ष तक के स्तंभ जितना है
उसी के भार के बराबर होता है जिसको हम मानते हैं कि एक वायुमंडली दाब होता है। इटली के साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम दाब ज्ञात करने की एक प्रोसेस डेवलप किया मैनोमीटर से, और उसी के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मरकरी पारे के स्तंभ के बराबर। चूंकि दाब जो जानते हैं, यदि हिंदी में समझा जाए, दाब बराबर और बल बटे क्षेत्रफल होता है, और इसका यूनिट आप जानते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मेगा पास्कल गीगा पास्कल, ये तो जानते हैं मेगा पास्कल गीगा पास्कल, बार भी जानते हैं, बार भी जानते हैं, और बार में गीगा पास्कल में या मेगा पास्कल में या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में क्या रिलेशन होगा। एक और है प्रेशर की यूनिट, इतना एमएम ऑफ मरकरी, इतना एमएम ऑफ वाटर, कितना एमएम ऑफ वाटर, कितना एमएम ऑफ मरकरी, साथ में टार कितना होता है, एक एमएम ऑफ एचजी की वैल्यू कितना होता है, अथवा एक टार की वैल्यू कितना होता है, वन टार इज इक्वल टू कितना होता है, वन टार इज इक्वल टू कितना होता है, एक एमएम ऑफ मरकरी कितना होता है, या कह सकते हैं कि मरकरी यदि 760 एमएम पारे की ऊंचाई है, यानी कि बोल सकते हैं कि 760 एमएम पारे की ऊंचाई एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो कितने मिलीमीटर वाटर की ऊंचाई एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, मतलब एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितने मीटर पानी की ऊंचाई। एक वायुमंडलीय दाब इज इक्वल टू 760 एमएम पारे की ऊंचाई, पारे वाले स्तंभ की ऊंचाई बोल सकते हैं, अथवा 76 सेंटीमीटर स्तंभ की ऊंचाई पारे, लेकिन उसी के टर्म में एक वायुमंडलीय दाब इज इक्वल टू कितने मीटर पानी की ऊंचाई, इसी के टर्म में दो यूपीआर में क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो क्वेश्चन है वाटर कॉलम के पदों में वायुमंडलीय दाब क्या होगा, ये भी यूपीआर में क्वेश्चन है, यूपीआरवीयूएनएल में एग्जाम में पूछा गया है, जेई में, ये भी यूपीआरवीयूएनएल में पूछा गया, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में पूछा गया। तो ये दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वाटर कॉलम के पदों में वायुमंडलीय दाब क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि समुद्र स्तर पर पारे का वायुमंडलीय दाब 70 सेंटीमीटर है, तो इस दबाव को पानी की ऊंचाई में बदले, मतलब पानी की ऊंचाई मीटर में बदले, ओवरऑल आपका जो वायुमंडलीय दाब है वही आपका पानी वाला में बदलना है पानी के टर्म में। सिंपल सा समझेंगे, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, लिख देते हैं एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, एक वायुमंडलीय दाब एकदम अब लिखना आप लोग स्टार्ट कर देंगे यदि चाहे तो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक वायुमंडलीय दाब इज इक्वल टू 1.01325 बार या 1.013 इंटू 10^5 पास्कल। अब देखिए यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक बार इज इक्वल टू, एक बार इज इक्वल टू 10^5 पास्कल, और एक पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये लो लेवल क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाता है एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है, तो ये 10^5 पास्कल है, 1 पास्कल कितने बार के बराबर होता है, 10^-5 बार के बराबर होता है, आप वहां से कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यही सेम टू सेम जब हम इसको पारे के टर्म में किसी मैनोमीटर से मेजर करते हैं, जैसे कि हमने बताया था इटली के साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम इसको मेजर किया था, तो ओवरऑल बोला गया कि इसके जो स्तंभ है पारे का वो 760 एमएम पारे की ऊंचाई होता है, या ऐसे कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई। अब कितने यदि हम इस स्तंभ जो हम मैनोमीटर ले रहे हैं मेजर करने के लिए, एक वायुमंडलीय दाब 760 एमएम जितना सात एक सपोज कि एक हम लोग किसी ग्लास में किसी ट्यूब में यदि हम मरकरी भरे हुए हैं, तो 760 एमएम जो उसका स्तंभ होगा यदि जितना दबाव डालेगा वही एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसकी वैल्यू 1.0132 बार होगा, ये किसके बराबर होता है, हमने बताया वायुमंडल के शीर्ष तक के स्तंभ के भार के बराबर होता है, कितना होता है 1.0132 बार होता है। यही मेजर कैसे हम लोग करते हैं, मरकरी से, कितना हम भरते हैं 760 एमएम पारा हम मैनोमीटर भरते हैं, तो जितना वो दबाव देता है वही एक वायुमंडलीय दाब होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये पानी के टर्म में लिखना पड़ता है। तो जानते इसके लिए चाहे तो आप यहाँ पर ऐसे हम सॉल्व यही कर देते हैं कि P बराबर आप जानते हैं रो जी एच होता है, ये क्या है मानक वायुमंडलीय दाब, मानक वायुमंडलीय दाब, मानक वायुमंडलीय दाब होता है, और ये क्या है पानी की, पानी का घनत्व, और ये गुरुत्वीय त्वरण। तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं 1.013 10 द पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पास्कल को हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में बदल लेते हैं। जी की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। एच की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लीजिए रो जी, और यहां 1.013 इंटू 10 द पावर 5 अपॉन और ये 1000 इंटू 9.81 सॉल्व करेंगे तो 10.32 समथिंग आएगा, और इसी को लिखते हैं 10.3 मीटर पानी की ऊंचाई। यानी यदि हम 10.3 मीटर ऊंचाई जितना पानी का ऊंचाई दबाव डालेगा वही एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जाहिर सी बात है जो पारा 760 mm ही ऊंचाई का स्तंभ देता था, यदि स्तंभ की लंबाई 10.3 कर दिया जाए तो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। जाहिर सी बात है तो इसके बराबर हम कह सकते हैं कितना 10.3 मीटर पानी की ऊंचाई। तो 10.3 मीटर पानी की ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन एकदम साफ साफ है, फिर से सुनेंगे वाटर कॉलम के पदों में वायुमंडलीय दाब कितना होगा। तो जाहिर सी बात है वाटर कॉलम के पदों में, अभी हम मरकरी के पदों में नहीं, मरकरी के पदों में 760 होता है, ये जीरो लेवल क्वेश्चन है, नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा उसमें कॉन्सेप्चुअल बनाने के लिए वाटर के टर्म में पूछता है, यानी वही यदि हम मरकरी को हटा करके वाटर यदि हम लोग देंगे तो जाहिर सी बात है एक वायुमंडलीय दाब मेजर करने के लिए आपको 10.3 मीटर वाटर के स्तंभ की जरूरत पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन में कौन सा सही होगा, दिस 10.30 मीटर आपका ऑप्शन में सही होगा। यूपीआर में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि समुद्र स्तर पर पारे का वायुमंडलीय दाब 70 सेंटीमीटर है। हालांकि हम लोग जो मानते हैं कि वही पारे समुद्र तल से 76 सेंटीमीटर पारे हम लोग जूम करते हैं 760, यहाँ पर 70 दिया है, तो कह रहा है कि इस दबाव को पानी की ऊंचाई में बदले, पानी की ऊंचाई में बदले। जाहिर सी बात है चलिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, माना 760 या 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई इज इक्वल टू 10^3 मीटर पानी की ऊंचाई, तो 0.76 मीटर पारे की ऊंचाई इज इक्वल टू 10^3 मीटर पानी की ऊंचाई, एक मीटर पारे की ऊंचाई 0.76 मीटर पानी की ऊंचाई। अब बताइए यहां क्वेश्चन में क्या दिया है, 70 सेंटीमीटर है, इस दबाव को पानी की ऊंचाई में बदले 70 सेंटीमीटर अथवा 0.7 मीटर, तो कहेंगे 70 सेंटीमीटर अथवा 0.7 मीटर पारे की ऊंचाई इज इक्वल टू 10.3 0.76 इंटू 0.70। अब इसको सॉल्व करेंगे, इतना मीटर पानी की ऊंचाई, अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10.30 मीटर पानी की ऊंचाई। तो ये तो था यूपी अर्बनल का क्वेश्चन। सपोज कि वन टार किसके बराबर होता है, वन टार, तो वन टार जानने के लिए थोड़ा सा इसको हम लोग मिटाते हैं ऊपर और इसी में हम लोग वन टार भी समझ लेते हैं। ये तो यूपी अर्बनल का क्वेश्चन है। सपोज की आता है, जैसे सपोज की 700
60 एमएम पारे की ऊंचाई इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10^5 पास्कल अथवा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल। तो बताइए एक एमएम पारे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 1.01325 अपान 760 इंटू 10^5 पास्कल। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 1.33.3 पास्कल आएगा या अथवा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ओवरऑल एक एमएम पारे की ऊंचाई ही वन टार होता है, वन टार। तो वन टार बराबर कितना होता है, यहां नोट में क्या लिख सकते हैं, नोट वन टार इज इक्वल टू वन पॉइंट वन टार इज इक्वल टू वन एमएम पारे की ऊंचाई। तो 1 mm पारे की ऊंचाई। तो फाइनलाइज जो है वो आपका यही क्वेश्चन का आंसर है। आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे आपको देख लिए हैं। यहाँ पर 1 बार होता है 10^5 पास्कल, 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। आपका p = rho gh है, यहाँ से हम लोग रो 1000 kg प्रति मीटर क्यूब है। यदि आप पारे की डेंसिटी लेते तो 13.6 × 10³ kg प्रति मीटर क्यूब होता, और वहां से जब एच कैलकुलेट करते हैं तो 760 आता, यानी 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई, 760 एमएम पारे की ऊंचाई आता। लेकिन यहाँ वाटर के टर्म में लिए हैं क्योंकि वाटर की डेंसिटी, तो 10.3 मीटर की ऊंचाई आया है एक वायुमंडलीय दाब। तो जाहिर सी बात है यदि वायुमंडलीय दाब को यदि जल के वाटर के टर्म्स में लिया जाए तो उसकी स्तंभ की ऊंचाई 10.3 मीटर होता है। यदि उसको बदलने वाला प्रोसेस है तो आप इसको समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं, और आराम से आप कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन कर लेंगे। कभी कभी आता है वन टार इज इक्वल टू कितना होता है, तो वन टार इज इक्वल टू 1.133। तो ये तो था प्रेशर बेस पर दो क्वेश्चन ऐसे जो यूपी आर्मी में क्वेश्चन पुटअप होता है। हम ऐसे ही क्वेश्चन टॉपिक जो लगेगा कि कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के लिए, हम उसी सिर्फ उसी क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे और कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा तो आप बिल्कुल एग्जाम में कर ले जाएंगे। बाकी जो लो लेवल है, मीडियम लेवल है, आप अपने से प्रिपरेशन करिए क्योंकि टाइम कम है। बाकी जो हाई लेवल के क्वेश्चन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और भी यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो बिल्कुल कमेंट में हमको बता दीजिए, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे अपने चैनल के माध्यम से। बस आप अपने सेल्फ प्रिपरेशन करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो के साथ बने रहिए, धन्यवाद।